दिल्ली की जनता केजरीवाल से बहुत 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 खुश थी। हमारा सीएम ग्रेट बंदा है। घोटाला तो इन्होंने खुद किया है, पैसे तो बीजेपी ने खाए हैं। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनसे अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिल सकता। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के सीटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया है और उनके ऊपर अभी भी ईडी की कार्यवाही चल रही है, और जिस तरीके से लगातार कथित शराब घोटाले में जिसमें अभी तक कोई प्रूफ नहीं निकल पाया है, अलग अलग नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, आतिशी जी हों, सौरभ भारद्वाज जी हों, जैसे ही रोड पर निकलते हैं वैसे ही उन्हें दिल्ली पुलिस जो है वो रोक देती है, हर जगह नाकाबंदी लगाई रहती है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा था, जिसमें आतिशी जी अपने घर जा रही थी प्रगति मैदान, और उन्हें रस्ते में पुलिस वाले रोकना, कहीं प्रदर्शन से रोकने की ये बड़ी साजिश है। और चुनाव से मात्र 2 महीने पहले ऐसा कर देना, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, अगर शराब घोटाला था जब मनीष सिसोदिया जेल गए, केजरीवाल तो उस वक्त भी जेल जा सकते थे, जांच तो उस वक्त भी हो सकती थी, पर चुनाव से 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है सर। ऐसा सत्येंद्र जैन के साथ भी हुआ था, अभी केजरीवाल के साथ भी हुआ, आगे भी जाके दूसरे नेताओं के साथ होगा जो उनके विरुद्ध होंगे। तो मेरा यही है कि अगर आप चुनाव से पहले ऐसा सीबीआई और ईडी का छापा आप सब हर जगह पढ़वाएंगे तो यही चलता रहेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक थोड़ी सी आस है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि चंचूड़ को भी, डीवाई चंचूड़ हमारे जस्टिस है, उनको भी देशद्रोही बोल देंगे। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना भ्रष्ट करा है जो इतना साबित करा रहा है कि, क्योंकि एक एक करके कड़ी तोड़ी जा रही है। पहले मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, फिर ये संजय सिंह, अब केजरीवाल। एक तरीके से पार्टी को खत्म करने की पूरी साजिश है। नहीं, इस्तीफा तो उनको नहीं देना चाहिए, काम उन्होंने करा है। और हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर काफी सुविधाएं बढ़ी हैं, क्योंकि बस में लेडीज का सफर बिल्कुल फ्री है, और 200 यूनिट जो अब पूरे भारत में चला है, केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू करे थे वो आज चल रहा है। शुरुआत दिल्ली से हुई है सारी, अब कोई 350 दे 300 दे वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत केजरीवाल ने की है। केजरीवाल जी छुट के आएंगे, उनके साथ दुआएं हैं और मोदी साथ बद्दुआ है, वो बद्दुआ ले रहा है दुनिया की। आज हमारे यहाँ पे बच्चा बच्चे के आंखें नम है, बड़ों की बच्चों की नम है, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम भी दिल्ली में ही रहते हैं तो दिल्ली को इतना अच्छा आज तक किसी ने भी नहीं किया था। महिलाओं के लिए भी देखो, बसों में किराया फ्री करा, और सबसे अच्छे शिक्षा पे इतना ध्यान दिया कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। वो इनको जो है ना बड़ा दुख हुआ कि केजरीवाल इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने झूठे आरोप लगा के केजरीवाल जी को बंद कर दिया। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने आम जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में ही सोचा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को कौन जाने देगा? ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हमारा नुकसान है, जनता का नुकसान है। मोदी सरकार चाहती थी कि केजरीवाल जी ना जीते, केंद्र के जो अभी हो रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं वो हार के डर से उन्होंने उनको अंदर जेल में बंद किया है। वो हमारा सीएम था, रहेगा, और आगे भी चल के हम उन्हीं को वोट देंगे। मोदी की तानाशाही, उसने जब से 2014 आने के बाद उसने ऐसा अपने हाथ में हिंदुस्तान को अपने हाथ में मुट्ठी में कर लिया। इसने नहीं देखा कि क्या हो रहा है, पब्लिक पे क्या बीत रही है, क्या कुछ हो रहा है। ये तो आम आदमी की गवर्नमेंट आई, हमारा सीएम आया, ने थोड़ा दिल्ली को संभाल के रखा है, वरना अगर ये नहीं होते तो दिल्ली को हिंदुस्तान बदतर बना देते। भाई ये जो ड्रामा चल रहा है, ये केजरीवाल जी को बिना मतलब के गिरफ्तार करवाया है मोदी जी ने। मोदी जी एक्चुअली नहीं चाहते कि कोई भी अपोजिशन का बड़ा लीडर जो है बाहर रह के इलेक्शन के अंदर कोई प्रचार कर सके और मैं इलेक्शन आराम से जीत जाऊं, जबकि घोटाला तो इन्होंने खुद किया है, पैसे तो बीजेपी ने खाए हैं। बल्कि नड्डा साहब को करना चाहिए अरेस्ट, उसको ईडी को, क्योंकि पैसे तो नड्डे के पास गए हैं भाई। बेसिकली मैं दिल्ली की महिलाओं को, लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं फ्रॉम द सीएम ऑफ दिल्ली, इसके अंदर जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं, हमें उसका लिहाज करते हुए, उसकी पावर समझते हुए ये समझना चाहिए कि जो भी आज उनके साथ हो रहा है केजरीवाल जी के साथ, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्हें इस तरह मोदी जी की गवर्नमेंट, जो भी इसमें पॉलिटिक्स है मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। और ये टाइम है कि हम सब मिलके उठें और अपनी आवाज़ उठाएँ एज दिल्ली पीपल, एज अ वुमेन ऑफ दिल्ली, द पावर ऑफ दिल्ली।